नमस्कार, स्टोरी हाउ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको उन खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आज बीते दिन की सुर्खियां रहीं और जिनसे आप महरूम रहे। बीते 5 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के कारण हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर 7 लेयर की बैरिकेटिंग कर रखी है, जिसके चलते हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का काम है कि वो यातायात को नियंत्रित करे। हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें, लेकिन उसको नियंत्रित भी करें। बता दें कि किसान 2 दर्जन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, बुजुर्ग किसानों और मजदूरों के लिए मासिक पेंशन और कर जैसी मांगों को पूरा करवाने के लिए मांग कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि जब शंभू में स्थिति शांतिपूर्ण है तो किसानों को आगे बढ़ने से रोकने का कोई मतलब नहीं है। नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह के भी हरप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि हरप्रीत सिंह सहित 3 लोगों को फिल्लौर के पास जालंधर पानीपत नेशनल हाईवे पर 4 ग्राम ICI के साथ गिरफ्तार किया है। हरप्रीत के अलावा पकड़े गए अन्य 2 आरोपियों के नाम लवप्रीत सिंह और संदीप अरोड़ा हैं। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हरप्रीत और लवप्रीत दोनों का डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है और संदीप एक ड्रग तस्कर है, जिस पर पहले से भी ड्रग तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम जेल में बंद अमृतपाल ने खुद की छवि एक नशा विरोधी की बना रखी है, जो कि समय समय पर कहता पाया गया है कि उसका सबसे बड़ा उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त बनाना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर लगा हत्या की कोशिश का आरोप। TDP के विधायक के रघुराम कृष्णम राजू की शिकायत के बाद जगन मोहन रेड्डी के अलावा 2 IPS ऑफिसर सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विधायक ने पुलिस अधिकारियों और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हत्या के प्रयास, हिरासत में यातना और आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें मई 2021 में हैदराबाद में APCID कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और उनके सीने पर बैठकर उनका गला घोटने की भी कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ IPC की धारा 120B, 166, 167, 197 सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और अब स्मृति ईरानी पर एक ओपोस्ट करने के लिए वो चर्चाओं में आ गए हैं। स्मृति ईरानी को ट्रोल कर रहे अपने समर्थकों और उनके आलोचकों से राहुल ने ऐसा न करने की अपील की है। राहुल ने पोस्ट में लिखा है कि जीवन में हार जीत तो होती रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। बता दें कि इस बार स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी से लगभग 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गई हैं। जातीय राजनीति पर भड़के नितिन गडकरी। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान बात करते हुए नितिन गडकरी जातीय राजनीति पर बुरी तरह भड़क गए और यहां तक कह दिया कि जो करेगा राजनीति की बात उसको मारूंगा लात। गडकरी ने कहा कि मैं किसी जात पात को नहीं मानता और इस समय महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर जाति को लेकर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचित क्षेत्र में 40% मुसलमान है और मैंने उनको पहले ही कहा है, मैं RSS वाला हूं, मैं हाफ चड्डी वाला हूं। किसी को वोट देने से पहले सोच लो कि बाद में पछताना न पड़े। जो वोट देगा मैं उसका काम करूंगा और जो नहीं देगा मैं उसका काम भी करूंगा। सरकार ने 25 जून को घोषित किया संविधान हत्या दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अमित शाह ने पोस्ट में कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। इस पोस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया।
कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने लिखा कि ये एक गैर जैविक प्रधानमंत्री द्वारा पाखंड में एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है, जिसने 10 साल तक अघोषित आपातकाल लगाया था। उसके बाद भारत के लोगों ने उसे 4 जून 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार दी, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो ये थी आज की तमाम खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप अपडेट रहिए स्टोरी हाउ के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।